गाइस हम पुलना गांव पहुंच चुके हैं और यहां पे अगर आप आ रहे हैं तो ये पीछे देख सकते हैं यहां पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहां घोड़े और खच्चर मिलते हैं अगर आप आ रहे हैं तो। ये घोड़ा पड़ाव जगह है, ये कुछ ट्रैक स्टार्ट हो रहा है हमारे पीछे। एक चीज़ ध्यान रखना कि आप अगर प्रैक्टिस करके नहीं आ रहे तो आपको कुछ इस तरीके से ट्रैक नहीं लगाना है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। और मेडिसिन जरूर लेके चले क्योंकि ऊपर ठंड की वजह से कुछ भी हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं बिस्ट ब्लॉग। सो अब हम पुलना गांव से ट्रैक करने वाले हैं और यहां से ट्रैक अभी हमें पता नहीं है फिलहाल कितना है, लेकिन पीछे पूछा था 9 से 10 किलोमीटर बता रहे थे। बाकी आगे चल के देखते हैं, अगर बोर्ड का साइन होता है कुछ तो उसमें देख के आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। सो गाइस अभी हमने किसी से कन्फर्म करा और वो बता रहे हैं 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक है ये, जो हेमकुंड साहिब का ट्रैक है और लगभग हमने आधा किलोमीटर कवर कर चुका है। और पुलना गांव से हमने ट्रैक ये चालू किया था और अभी टाइम हो रहा है 8:42 या 43 मिनट, मतलब 8:35 या 37 मिनट पे हमने ट्रैक चालू कर दिया था अपना। बाकी देखते हैं कितनी जल्दी कवर करते हैं और कितनी देर में ऊपर पहुँचेंगे और सारी जानकारी मैं आपको धीरे धीरे देता रहूँगा। बाकी चलते हैं आगे, फिर इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। तो आप हमसे मतलब इस वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी कि क्या है और क्या चीज़ नहीं। तो दोस्तों ऊपर से लोग काफ़ी ट्रैक करते हुए आ रहे हैं तो मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि एक भैया आए थे तो उन्होंने हमें ये स्टिक दे चुकी है। आप ये देख रहे हैं स्टिक है मेरे हाथ में, तो उन्होंने बोला आप ऊपर ट्रैक कर रहे हैं तो आप ऊपर लेके जाएँ तो फ्री में ले जाएँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने तो मना करा था, वैसे हमें स्टिक की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन ठीक है दे दी। अगर हमें रास्ते में लगेगा किसी को नीड है तो हम उनको दे देंगे। बाकी भाई के पीठ में बैग वगैरह है तो इस चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आपको पता है कि अगर ट्रैक कर रहे हैं और आपके पास वेट है कुछ सामान वेट वाला तो ट्रैक करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और ट्रैक काफ़ी खड़ी चढ़ाई है अभी फ़िलहाल जो हमने स्टार्ट करा है। यहाँ घोड़े और खच्चर मिलते हैं अगर आप आ रहे हैं तो, ये घोड़ा पड़ाव जगह है तो यहाँ से आपको घोड़े खच्चर मिल जाएंगे अगर आप हेमकुंड साहिब का ट्रैक कर रहे हैं तो। और बाकी लोग जो पैदल जा रहे हैं वो तो पैदल ही ट्रैक कर रहे हैं, बाकी घोड़े खच्चर आप लेना चाहेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो पीछे यहाँ पे बुकिंग हो रही है, जो करना चाहेंगे घोड़े या खच्चर तो उनकी बुकिंग यहीं से हो रही है, बैठे हुए हैं वो लोग। और ट्रैक जो है थोड़ा सा अभी स्टीप मिल रहा है, एकदम खड़ी चढ़ाई मिल रही है, देख सकते हैं ये कुछ ट्रैक स्टार्ट हो रहा है हमारे पीछे। तो बाकी मैं देखता हूँ अभी बीच बीच में भाई से बैग लूँगा क्योंकि मैंने राइडिंग जैकेट पहनी हुई है, इससे मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि हैवी है और लॉकर में ये जमा करने से मना कर दिया था। तो उनकी बात भी सही है, वो खाली बैग बैग की वो लेते हैं गारंटी। बाकी ट्रक खड़ा है एकदम खड़ी चढ़ाई, 1 किलोमीटर का डन कर चुका है हमने, बाकी काफ़ी लोग जा रहे हैं तो आगे चलते हैं। ऐसी जर्नी हमारी बनी हुई है। भाई जी मेरे को एक फॉल दिखा था, वाटरफॉल काफ़ी प्यारा लग रहा है, सोचा आपको दिखा दिया जाए। तो वो देख सकते हैं सामने ऊपर से आ रहा है और नीचे आ रही है सारा वाटरफॉल, काफ़ी बेहतरीन लग रहा था तो सोचा आपको भी दिखा दिया जाए। बाकी भाई भी ट्रैक कर ही रहा है धीरे धीरे, तो अभी आगे जाके उससे मैं बैग लूँगा। बाकी पब्लिक आ रही है काफ़ी सामने आप देख सकते हैं, तो लोग ट्रैक कर रहे हैं धीरे धीरे। और नीचे देख सकते हैं रिवर जिसका फोर्स काफ़ी तेज़ है, तो पानी की आवाज़ मेरे को यहाँ तक आ रही है और सारा ग्लेशियर का पानी है तो भाई तो अभी कुछ बोलेगा नहीं। बाकी ट्रैक कर रहे हैं, जा रहे हैं ऊपर को, अभी देखते हैं कितना ट्रैक करते हैं, कहाँ रश लेते हैं। सो दोस्तों हमने 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक कर चुका है और इस ट्रैक में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इधर आ रहे हैं तो आप मतलब थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिस ज़रूर करना, मतलब थोड़ा सा रनिंग वनिंग वगैरह या जो भी है थोड़ा वॉकिंग का मतलब कोशिश करना कि आप थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि यहाँ की जो चढ़ाई है वो एकदम खड़ी चढ़ाई है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। आप लोग आएंगे तो हम लोग तो करते रहते हैं इसलिए हमें थोड़ा पता है। और
तीन से चार किलोमीटर ट्रैक कर दिया और यहाँ से 9-10 किलोमीटर नीचा जो मैं आपको नीचे से बता रहा था रास्ता, जो ये रास्ता है ये गुरुद्वारे तक ऊपर रास्ता है जो धाम है वहाँ पे स्टे करने का 8-10 किलोमीटर का है। उसके बाद 6 किलोमीटर और ऊपर जाना पड़ेगा तब जाके हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का आप दर्शन कर पाएंगे। और ट्रैक कुछ इस तरीके से है, बाकी आप अपने साथ छोटा मोटा कुछ खाने के लिए लेके ज़रूर आना क्योंकि जितना ऊपर आप हाइट पे चढ़ेंगे उतना आपको चीज़ कॉस्टली मिलेगी, महंगी मिलेगी। यही मैं अभी बताना चाह रहा था इस ट्रैक पे। बाकी ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके अपना और भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपको। और बाकी गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा फिलहाल। तो बाकी अभी चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ब्रेक लिया था। तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, मैंने अभी किसी से कंफर्म किया तो यहाँ से 2 रास्ते डिवाइड हो रहे हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे 2 रास्ते हैं, तो आपकी मर्ज़ी आप कहाँ से जाना चाहते हैं। क्योंकि ये जाओगे तो एकदम आपको खड़ी चढ़ाई मिलेगी। वैसे मेरे हिसाब से ये घोड़े खच्चरों के लिए बनाया गया है ये ट्रैक, और 2 रास्ते डिवाइड होते हैं। जैसे हम रामबाड़ा से केदारनाथ का ट्रैक करते हैं तो वहाँ से भी 2 रास्ते डिवाइड होते हैं। बाकी ये ऊपर वाला ट्रैक जा रहा है तो आप ऊपर वाले ट्रैक से ना जाएँ, तो जो मेरे पीछे वाला ये ट्रैक है तो इससे जाने की कोशिश करना। सो गाइज अभी हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है ब्रेकफास्ट के लिए और अभी हमें 1 घंटा पूरा हुआ नहीं है। बाकी अभी 2 मैगी करवाई है, 2 मैगी ऑर्डर दी है, बाकी भाई देख रहे हैं साथ में क्या कुछ पीने भी निकले। और ये कुछ जगह है यहाँ पे बीच बीच में आपको स्टॉप मिलते रहेंगे। ये 4 किलोमीटर अभी हमने कवर कर चुका है, 4 से 5 किलोमीटर। तो सुबह से कुछ खाया नहीं था और टाइम हो रहा है अभी 9:20। पूछ लेते हैं कि भाई को कितनी दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है, क्योंकि भाई को काफ़ी बार मतलब सांस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, थकान लगती है ज़्यादा। तो भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि मतलब कैसा ट्रैक है, क्या है क्या नहीं है, अगर कोई आ रहा है तो उसको मतलब कैसा लगेगा इधर आके, तो क्या बोलना चाहते हो इस बारे में। ट्रैक तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है जितना अभी तक देखा है, तो उस हिसाब से थोड़ा ट्रैक थोड़ा टफ है। अभी तक हमने इससे पहले भी किए हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा टफ लगा है। एक्चुअली ये है क्या, ये जो चढ़ाई है स्टार्टिंग में पुलना से वो एकदम स्टीप चढ़ाई है और उसके 3-4 किलोमीटर आप कवर करेंगे तो आप तब जाके आपको थोड़ा सा डाउन में रास्ता मिलेगा, तब जाके आप थोड़ा सा आपको रिलीफ फील होगा। बाकी अभी यहाँ से आप धाम तक जाएंगे जहाँ रुकने का जगह है वो यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर अभी बची हुई है, और बीच में आपको ऐसे ऐसे ब्रेक मिलते रहेंगे जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं। ये जगह है, अभी हमने ये अमूल की ये मतलब बॉटल मंग ली है केसर पिस्ता वाली, और बाकी भाई ने तो पी चुकी है। बाकी मैगी अपनी रेडी हो रही है, मैगी खावा के फिर इसके बाद हम चल देंगे। तो हमने कम से कम 15-20 मिनट का रकम था ना, तो 20-25 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद टू भी कंटिन्यू करेंगे और शायद कोशिश करेंगे कि धाम तक जाए उसके बाद ही कोई ब्रेक लेंगे, सीधा शायद लंच वहीं करें या जो भी होगा तो आपको बताते जाएंगे। तो यही था, और बाकी यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप मेरे पीछे ऐसा है कुछ। तो ये अपनी मैगी आ चुकी है, तो 2 मैगी ऑर्डर करी थी तो अभी इसको खाते हैं फिर जाके आपको मिलते हैं सीधा ट्रैक पे। ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके हैं और ट्रैक थोड़ा सा मतलब 700-800 मीटर हम आगे आ चुके हैं और ट्रैक फिर से अपना हमने चालू कर चुका है। और अभी ट्रैक बचा हुआ है हमारा कम से कम 12-13 किलोमीटर का ट्रैक है, बाकी देख सकते हैं कुछ ट्रैक इस तरीके से है। तो अभी जा रहे हैं, बीच बीच में खड़ी चढ़ाई काफ़ी पड़ रही है तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप इधर आ रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ टाइम पहले प्रैक्टिस वगैरह कर लें या रनिंग या वॉकिंग वगैरह की, कम से कम 8-10 किलोमीटर की, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। और बाकी इधर आप आ रहे हैं तो घोड़े खच्चर आपको मिल ही जाएंगे, उनका चार्ज तो मेरे को कन्फर्म नहीं है क्योंकि अलग अलग प्राइस है, तो मे भी होगा 3-4 हज़ार के आसपास होगा। और बीच बीच में आपको ऐसे छाव जैसा भी मिलेगा जिससे आपको रेस्ट मिल सके, और आप बीच में आराम आराम से ब्रेक लेके जा सकते हैं। तो और ट्रैक कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी ना करें, उससे क्या है आपकी सांस फूलेगी और आपको ट्रैक करते हुए काफ़ी दिक्कत आने वाली है फिर ट्रैक में। तो यही है, बाकी चल रहे हैं अपनी जर्नी, डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे टाइम पर। तो सामने देख सकते हैं रिवर जा रही है, तो ये रिवर आ रही है ऊपर से ही आ रही है,
सारा ग्लेशियर का पानी पिघल के आ रहा है जितना भी आ रहा है। और ये ट्रैक है कुछ, जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ अभी हमें दिख चुकी है, तो इसका मतलब हमारी डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं एक बार आपको बैक कैमरे से ऑन करके दिखाता हूँ, तो वो सामने देख सकते हैं आप, वो है हमारी डेस्टिनेशन। तो कैमरे में पता नहीं कितना कैच हो रहा है नहीं हो रहा, तो वहाँ जाना है अभी हमें, तो आपको और पास से दिखाएंगे। सो गाइस, अगर आप ट्रैक कर रहे हैं हेमकुंड साहिब का तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आप अगर प्रैक्टिस करके नहीं आ रहे तो आपको कुछ इस तरीके से ट्रैक मिलने वाला है। एकदम खड़ी चढ़ाई है, आप मेरे सामने देख सकते हैं। तो अभी हमें इन मतलब कहते हैं ना खतरनाक और ऐसे दुर्गम रस्तों से होते हुए हमें ऊपर को ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। काफ़ी टफ है और काफ़ी डिफिकल्ट है, बट हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि ये ट्रैक पूरा किया जाए। और हिम्मत नहीं आ रही है क्योंकि दोनों के साथ मतलब ये है कि एनर्जी फील है पूरी, दोनों साथ साथ ट्रैक कर रहे हैं। तो कोशिश पूरी यही है कि टाइम पर ट्रैक पूरा करेंगे। बाकी आगे चलते हैं, आगे चल के आपको धीरे धीरे गाइड करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा साथ ले जा रहे हैं। आप इधर आ रहे हैं तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें, जो ट्रैक है काफ़ी टफ है, तो उसी हिसाब से मतलब इधर आएंगे तो तैयारी करके आना अपनी पूरी, जो मैंने आपको बताया। बाकी नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं, आप आगे फील कर सकते हैं, सेटअप काफ़ी बेहतरीन है। तो मैं यही कहूँगा कि पहाड़ों में जरूर है और चार धाम का आ रहे हैं तो हेमकुंड साहिब भी इसमें ज़रूर करना, थोड़ा टफ है लेकिन अच्छा है ट्रैक। सो बोर्ड में साफ साफ मेंशन करा हुआ है कि धीरे धीरे चले है, प्रकृति का आनंद ले, और पर जो प्रकृति है उसका आनंद मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो सामने देख सकते हैं, आपको बर्फ़ दिखाई दे रही होगी चट्टानों पे, अभी ऊपर जाके आपको अच्छे से दिखाएंगे जितना भी ट्रैक करके ऊपर जा रहे हैं हम। और रेन शटर आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में, जहाँ आप रुक सकते हैं, धूप से भी बच सकते हैं और अगर बारिश होती है। बाकी नेचुरल वाटर ऐसे आपको मिलता रहेगा, बीच बीच में पानी की सुविधा मिलेगी। तो गाइस अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि सनस्क्रीन लगा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि आप पहाड़ों पे जा रहे हैं और काफ़ी धूप भी है, और ऊपर जाएंगे तो आपको मतलब ठंडे एरिया में आपकी स्किन थोड़ी वो हो जाती है। तो इस चक्कर में आपको अपने साथ ये चीज़ भी लेके चलनी है, और मेडिसिन ज़रूर लेके चले क्योंकि ऊपर ठंड की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो अपने साथ मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ लेके चले अगर आप ऊपर जा रहे हैं ट्रैक पे। और यही था, बाकी हमने अभी सनस्क्रीन लगाने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया है 2 मिनट का, तो भाई को भी मैंने बोला कि लगा लें क्योंकि क्या है कि अभी धूप ज़्यादा हो रही है, तो धूप में फेस वेस अपना मतलब जल सकता है। तो अपने साथ ये चीज़ कैरी करके ज़रूर चले। बाकी लोग ट्रैक कर रहे हैं धीरे धीरे, आप देख सकते हैं सामने आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे, और ये कुछ व्यू है यहाँ का। हमने 7 से 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर 7 या 8 किलोमीटर हमने कवर कर चुका है, और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो इस ब्लॉग को 2 भी कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं और यहाँ से नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो आपको ऊपर दिखाएंगे इससे आगे ले जाके सारी चीज़। तो मिलते हैं इसके साथ आपको 2 भी कंटिन्यू ब्लॉग में, और ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं।